हेलो एवरीवन, वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ट्यूटर। टुडे वी विल डू चैप्टर 7 ऑफ इट्स सो हैपन। नेम ऑफ द चैप्टर इज द ओपन विंडो। फ्रैम्पटन नटल हैज बैड नर्व्स। फ्रैम्पटन नटल जो इसका मेन कैरेक्टर है, उसको बैड नर्व्स की प्रॉब्लम है, मीन्स मेंटल प्रेशर में है वो। ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर एंड कॉल्स ऑन अ फैमिली फ्रेंड। वो अपने क्योर, अपने इलाज के लिए किसी दूसरे गांव में चला जाता है। कंट्री मीन्स यहाँ कंट्री से मीनिंग है किसी दूसरे विलेज में। तो वहाँ जाकर वो और अपने फैमिली फ्रेंड से जाकर मिलता है। द लेडी बींग बिजी अपस्टेयर्स हर यंग नीस रेफर्स टू अ फैमिली मिसहैप विद फोकस ऑन द ओपन विंडो। जो लेडी है वो अपस्टेयर्स रहती है, मीन्स ऊपर वाली फ्लोर पर रहती है। उसकी एक यंग नीस है, उसकी भतीजी है, जो उसे मिस्टर फ्रैम्पटन नटल को एक मिस हैपनिंग के बारे में बताती है जो इस फैमिली के साथ हुई, और फोकस करती है ओपन विंडो की तरफ। ओपन विंडो क्या है? उस घर में एक विंडो है जो वो लोग हमेशा ओपन रखते हैं, तो उसी से रिलेटेड वो उसको बताती है। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मिस्टर नटल सेड अ वेरी सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी ऑफ 15। जो 15 ईयर्स की, 15 साल की वो जो लड़की है, भतीजी है मिसेस नटल की, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है। और वो कहती है, मिस्टर नटल मेरी चाची जल्दी ही नीचे आ जाएंगी। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी। तो तब तक, इन द मीन टाइम मीन्स तब तक आप मेरे साथ बैठिए। फ्रैम्पटन नटल एंडेवर्ड टू से समथिंग विच शुड ड्यूली फ्लैटर द नीस ऑफ द मोमेंट विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट दैट वॉज टू कम। तो जो फ्रैम्पटन नटल हैं, फ्रैम्पटन नटल अपनी भतीजी को खुश करने के लिए कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि जिससे उसकी चाची, जो कि अभी आने ही वाली थी, वो नाराज़ ना हो जाए। प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर वेदर दीज फॉर्मल विजिट्स ऑफ सक्सेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स वुड डू मच टूवर्ड्स हेल्पिंग द नर्व केयर विच ही वॉज सपोज्ड टू बी अंडर गोइंग। तो वो कहता है प्राइवेटली, उसे इस बात पर शक हो रहा है कि बिल्कुल ही जो वो स्ट्रेंजर्स लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, स्ट्रेंजर्स लोगों की जो सक्सेशन मीन्स एक सीरीज सी चल पड़ी है लोगों की, मिलने वालों की, तो उससे उसका जो नर्व क्योर है उसे और बेनिफिट कुछ मिलेगा, या फिर वो जिसका वो इलाज करने के लिए वहाँ आया है, इतने स्ट्रेंजर, इतने अजनबी लोगों से मिलने के बाद क्या उसकी उस बीमारी का इलाज हो पाएगा? तो वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है। आई नो हाउ इट विल बी हिज सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट। मैं जानती हूँ यह सब कैसे होगा, उसकी बहन ने कहा था जब वह अपने रूरल एरिया से उसको माइग्रेट करने के लिए, उसे छोड़कर जाने के लिए कहती है। वो कहते हैं, अभी आया था ना कि वो किसी और जगह पर, किसी और रूरल एरिया में जाकर वो ठीक हो जाएगा, ऐसा उसकी बहन ने कहा था। तो यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग। तो उसने कहा, तुम वहाँ जाकर अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लेना, बिल्कुल अकेले रहना, और किसी भी लिविंग सोल से, मतलब किसी भी लिविंग बींग से, किसी इंसान से बात नहीं करोगे, और तो जो तुम्हारा मेंटल लेवल है वो उदासी, मोपिंग मीन्स सैडनेस, उदासी की वजह से कहीं और अधिक बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर। तो उसकी सिस्टर ने बोला, मैं तुम्हें उन लोगों के लेटर्स दूंगी इंट्रोडक्शन, जिसमें उन लोगों के बारे में लिखा हुआ होगा जिन लोगों को मैं जानती हूँ। सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर वर क्वाइट नाइस। उनमें से कुछ लोग तो कहती है, जहाँ तक मुझे याद है वो बहुत ही अच्छे थे। फ्रैम्पटन वंडर्ड वेदर
Mrs. Sappleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the. तो फ्रैम्पटन हैरान था कि क्या मिसिज सैपल्टन वो लेडी जिसको वो मिलने के लिए जिसके लिए वो इंट्रोडक्शन लेटर लेके आया था कि क्या वो अच्छे लोगों में है. डू यू नो क्या वो अच्छे लोगों में है. डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हियर आस्क द नीस व्हेन शी जज्ड दैट दे हैड हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन. तो वो जो लेडी है उसकी मिसिस सैपल्टन की जो नीस है भतीजी वो पूछती है कि डू यू नो मैनी ऑफ पीपल क्या आप यहाँ बहुत से लोगों को जानते हो. जब उसने व्हेन शी जज्ड जब उसने आइडिया लगाया कि उन्हें बिना बात किए बिना किसी बात के साइलेंट कम्युनियन कम्युनियन मीन्स कम्युनिकेशन कि वो बहुत ही चुप बैठे हैं और चुप बैठे हुए उन्हें बहुत देर हो गई थी. हार्डली अ सोल सेड फ्रैम्पटन माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर सम 4 years एगो एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हेयर. तो उसने कहा मुश्किल से ही हार्डली अ सोल फ्रैम्पटन ने कहा मुश्किल से ही मैं किसी इंसान को जानता हूँ. माई सिस्टर की लगभग 4 साल पहले मेरी सिस्टर यहाँ रहती थी और उसने यहाँ के लोगों के इंट्रोडक्शन के मुझे कुछ लेटर्स दिए हैं कुछ इंट्रोडक्शन दी हैं. He made the last statement in a tone of distinct regret. Regret मतलब बड़े ही अफसोस भरी उसने जो लास्ट बात कही वो बड़ी ही अफसोस भरी आवाज़ में कही. Then you know practically nothing about my aunt, pursued the self-possessed young lady. तो वो young lady वो जो लड़की है 15 years की भतीजी जो है तो बड़ी ही कॉन्फिडेंट होकर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है तो तब आप मेरी आंट मेरी चाची को प्रैक्टिकली तो आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे. ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर कहती है बस उसका नाम और एड्रेस. ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसिस सैपल्टन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट. तो वो हैरान हो रहा था कि जो मिसिस सैपल्टन है वो मैरिड है या फिर विडो थी. एंड अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम्ड टू सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन कहता है अनडिफाइनेबल कि मैं कुछ बताने में एबल नहीं था कुछ बता नहीं पा रहा था क्योंकि उस रूम को देखकर तो ऐसा लग रहा था मैस्कुलिन हैबिटेशन मीन्स जैसे कि मैस्कुलिन किसके लिए होता है मेल के लिए कि वो जो रूम है द रूम बिलोंग्ड टू अ मैन कि उस घर के सामान को उस रूम के अंदर जो सामान पड़ा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी मेल को बिलोंग करता है मीन्स किसी आदमी का है. हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपन जस्ट 3 years ago asked the child that would be since your sister's time. तो वो लड़की बता रही है कि सिर्फ 3 साल पहले ही उनके साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई थी. ट्रेजेडी मतलब कोई मिस हैपनिंग जिससे कि सब लोग सैड हो जाए और दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम. तो कहता है ये तुम्हारी वो कहती है कि ये तुम्हारी बहन के जाने के बाद हुई होगी. हर ट्रेजेडी आस्क्ड फ्रैम्पटन सम हाउ तो वो फ्रैम्पटन पूछता है कि उसकी ट्रेजेडी क्योंकि सम हाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पोर्ट ट्रेजेडीज सीम्ड आउट ऑफ प्लेस क्योंकि कि वो कहती है हैरान होकर कहता है कि कैसी ट्रेजेडी. फ्रैम्पटन ने पूछा क्योंकि इस जगह पर ये तो बिल्कुल ही शांत बिल्कुल पीसफुल जगह है और यहाँ पर किसी ट्रेजेडी का होना मुझे बड़ा अजीब सा ही लग रहा है. यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून. तो वो कहती है सेड द नीस इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन टू अ लॉन. अब वो लड़की बताती है कि आप हैरान हो सकते हो कि अक्टूबर महीने की दोपहर बाद भी हम ये इस खिड़की को क्यों खुला रखते हैं. उसने एक बड़ी सी फ्रेंच टेक्निक से बनी हुई जो विंडो थी उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि ये जो बहुत बड़ी विंडो जो कि गार्डन की ओर खुल रही है वो हमने अक्टूबर मंथ में भी दोपहर के बाद खुली क्यों रखी है. इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर सेड फ्रैम्पटन बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी. कहता है
साल के इन दिनों में तो गर्मी ही रहती है। फ्रैम्पटन कहता है, पर क्या इस खिड़की का किसी मिस हैपनिंग, किसी ट्रेजेडी के साथ कोई लेना देना है? क्या कोई इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है? अब आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago टू अ डे हर हस्बैंड एंड हर टू यंग ब्रदर्स वेंट ऑफ फॉर देयर डेज शूटिंग। तो उसने कहा, उस खिड़की से बाहर निकलकर, आउट थ्रू दैट विंडो, उस खिड़की से बाहर निकलकर 3 साल पहले आज ही के दिन उसके हस्बैंड और उसके 2 भाई यंग ब्रदर उसके जो शूटिंग के लिए गए थे, दे नेवर केम बैक, वो कभी लौट कर वापस नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मूर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल थ्री एनगल्फ्ड इन अ ट्रेचरस पीस ऑफ बोग। तो वो बता रही है कि वो शूटिंग के लिए जब गए थे तो वो 3 साल पहले, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। और शिकार करने के लिए, शूटिंग मीन्स शिकार करना, शिकार करने के लिए वो तीनों अपनी मनपसंद जगह पर गए। दे वर ऑल थ्री एनगल्फ्ड इन अ ट्रेचरस पीस ऑफ बोग। तो फिर वो कहाँ पर फंस गए? ट्रेचरस पीस ऑफ, ट्रेचरस मीन्स डेंजरस, और एनगल्फ्ड मीन्स फंस जाना, और बोग क्या है? वेट और स्पॉन्जी ग्राउंड, जिसे हम कह सकते हैं दलदल। कि वो तीनों लोग उस खतरनाक, उस डेंजरस बोग में, दलदल में फंस गए थे। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर यू नो एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर्स ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग। तो उस गर्मी में, उस गर्मी के मौसम में बहुत भयंकर, बहुत ही हैवी बारिश हुई थी। वो जगह जो अन्य, जो दूसरे सालों में, दूसरे ईयर्स में जो जगह सेफ रहती है, अचानक ही वो जगह बिना वार्निंग के कैसी हो गई? मड्डी हो गई, और वो लोग उसमें फंसते चले गए। देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड, उनकी बॉडी भी आज तक नहीं मिली हैं। और दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ और इट। तो ये उस मिस हैपनिंग, उस ट्रेजेडी का एक पार्ट है जो मैं आपको ट्रेजेडी के बारे में बता रही हूँ। हेयर द चाइल्ड्स वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ पोजेस्ड नोट एंड बिकेम फ्लैटरिंगली ह्यूमन। तो यहाँ उस बच्ची की आवाज़ में कॉन्फिडेंस नहीं रहा, और वो उसकी जो आवाज़ थी, फ्लैटरिंगली मीन्स लड़खड़ाने लगी। पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक सम डे, दे एंड द लिटल ब्राउन स्पैनल दैट वॉज लॉस्ट विद देम। तो वो कहती है, बेचारी आंटी, वो हमेशा सोचती है कि वो किसी दिन लौट कर वापस आएंगे, वो तीन लोग और उनका जो ब्राउन कलर का स्पैनियल कुत्ता, डॉग है, जो कि उन्हीं के साथ खो गया है। एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज्ड टू डू। तो उसने कहा कि वो कुत्ता भी उन्हीं के साथ खो गया है, और वो लोग उस खिड़की से अंदर आएंगे जैसा वो हमेशा किया करते थे। दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क। तो वो कहती है, दैट्स वाई, यही रीज़न है कि हर शाम को अंधेरा होने तक, डस्क मीन्स डार्कनेस, अंधेरा होने तक भी वो लोग खिड़की को ओपन ही छोड़ते हैं, खुला ही छोड़ते हैं। पुअर डियर आंट, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट ओवर हिज आर्म। तो वो कहती है, बेचारी आंटी, वो मुझे हमेशा ये बताती रहती थी कि वे लोग कैसे बाहर गए थे। उसके जो हस्बैंड थे, वो अपना वाटर प्रूफ वाइट कोट अपनी बाजू पर टांग कर, बाजू पर रख कर गए थे। एंड रोनी हर यंगेस्ट ब्रदर सिंगिंग, बर्टी वाई डू यू बाउंड। तो और रोनी, जो कि उनका छोटा भाई रोनी, वो ये सॉन्ग सिंगिंग करते हुए, ये गाना गाते हुए कि बर्टी वाई डू यू बाउंड, बाउंड मीन्स जंप, बर्टी तुम जंप क्यों करते हो। एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स।
जैसे कि वो हमेशा उसे टीज मतलब तंग करने के लिए किया करता था, क्योंकि वह कहती थी इससे उसे क्या होती है, नर्व्स की प्रॉब्लम होती है। डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। क्या आप जानते हो, डू यू नो, कि कभी कभी ऐसी पीसफुल, ऐसी शांत शाम के टाइम मैं भी बहुत डर जाती हूँ कि वो लोग इसी खिड़की से अंदर आएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इज़ ओवर हेयर।